नाम है शारदा, स्वागत है आपका मोर टेस्टी फूड पर। आज हम छेना से स्पॉन्जी रसगुल्ले बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही अलग ट्रिक के साथ इस रसगुल्ले बनाकर तैयार करेंगे। तो रेसिपी शुरू करते हैं। छेना बनाने के लिए ये 1 लीटर दूध लिया है और 1/4 चम्मच सिट्रिक एसिड ली है। इसकी जगह हम 1 नींबू का जूस भी ले सकते हैं। दूध को उबलने के लिए गैस पर रख दिया है। गैस की फ्लेम मीडियम करेंगे और बीच बीच में दूध को चलाते रहेंगे। दूध में उबाल आ चुका है, अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और दूध को थोड़ा ठंडा होने देंगे। इसे चम्मच से चलाते रहेंगे जिससे हमारा दूध थोड़ा ठंडा हो जाए। ये हमें 80% तक गर्म दूध लेना है। अब हम अपने दूध को फाड़ेंगे। ये मैंने सिट्रिक एसिड में पानी डालकर उसे घोल लिया है। अब इसे थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालेंगे और चलाते जाएंगे। इससे हमारा छेना बहुत ही बढ़िया बनेगा। थोड़ा थोड़ा डाल के चलाने से, अगर एक साथ हम सारा सिट्रिक एसिड का पानी डाल देंगे तो हमारा छेना बढ़िया बनके तैयार नहीं होगा। देखिए अब हमारा छेना बढ़िया सा बन चुका है और इतना ये सिट्रिक एसिड वाला पानी बच गया है। अब हम इसे और नहीं डालेंगे। अब हम अपने छेने को पानी से अलग कर लेंगे। एक बोल लेंगे, उसके ऊपर एक छली रखेंगे और एक मलमल का कपड़ा छली के ऊपर रख देंगे इस तरह। और अब अपने छेने को हम पानी से अलग करेंगे। इसे अलग कर देंगे और इसके नीचे एक दूसरा बर्तन रख लेंगे। अब हम अपने छेने को ठंडा पानी डालकर 2 बार धुल लेंगे। इससे हमारे रसगुल्ले बहुत बढ़िया बनेंगे। इनमें सिट्रिक एसिड की बिल्कुल भी खटास नहीं रहेगी। एक बार और धुल लेंगे। और फिर से दबा दबा कर इसका पानी निकालेंगे। अब इसे आधे घंटे के लिए चकले पर रखकर और उसके ऊपर कुछ हैवी चीज रख देंगे जिससे इसका सारा पानी निकल जाए। छेना हमारा अच्छे से बन चुका है। देखिए अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें इस छेने को डाल देंगे। अब हमें इसमें और कुछ भी नहीं डालना, बस इसे मिक्सी के जार में ही ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा छेना अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। देखिए अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स आप भी इसी तरह छेना से रसगुल्ले बनाइए। इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती। सिर्फ 1 मिनट हमने ये मिक्सी के ग्राइंडर में चला दिया और हमारा बढ़िया से छेना मैश हो गया। देखिए कितना बढ़िया हमारा सॉफ्ट छेना ग्राइंडर में मैश होकर तैयार हुआ है।
अब हम छेना से रसगुल्ले बनाकर तैयार करेंगे। अब हम अपने रसगुल्ले बनाने के लिए शुगर सिरप बना लेते हैं। एक कप चीनी डालेंगे और इसमें 4 कप पानी डालेंगे। हमने अपनी सारी छेना बॉल्स को बनाकर तैयार कर लिया है और हमारी जो शुगर सिरप है उसमें भी अच्छे से उबाल आ रहा है। अब हम अपने एक एक करके छेना बॉल्स इसमें डालते जाएंगे। अब इसमें 1 चम्मच के करीब हम केवड़ा वाटर डाल देंगे। इसकी जगह हम रोज वाटर भी डाल सकते हैं या इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसे ढककर 10 से 12 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे और बीच में एक बार चेक करेंगे। बारह मिनट हो चुके हैं और हमारे रसगुल्ले अच्छे से फूलकर साइज में भी डबल हो गए हैं। इन्हें मैंने 8 मिनट बाद एक बार टर्न कर दिया था। अब इन्हें हम बोल में निकाल लेंगे। हमारे रसगुल्ले कितने स्पॉन्जी बने हैं मैं एक रसगुल्ला आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना जूस इसमें से निकल रहा है। आज हमने मिक्सी की हेल्प से कितनी आसानी से ये छेना के रसगुल्ले बनाकर तैयार कर लिए। आप भी अपने घर पर इन्हें जरूर बनाएं और अपना फीडबैक मुझे लिखकर जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।